हेलो फैमिली दोस्तों, आज के हमारे थंबनेल टाइटल पर आपने देखा होगा कि हमने एक सेंटेंस लिखा है कि दुनिया का कोई भी मजहब मोहम्मद रफी साहब की कला को मुतासिर नहीं कर पाया। हालांकि रफी साहब के फन ने हर एक मजहब के गीतों के साथ इतना बड़ा जस्टिफाई किया जिनकी मिसालें आज भी दी जा रही है और आने वाली पुश्तों तक इन सभी बातों को आप सभी के सामने रखा जाएगा। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भूज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार सत श्री अकाल आता। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब के बारे में हमेशा ऐसा कहा गया है कि रफी साहब ने सभी रिलीजियन सभी मजहब के साथ सभी धर्मों के साथ जुड़े हुए गीतों को गाया है। आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, रफी साहब ने हर एक मजहब के साथ जुड़े हुए गीतों को अपने फन के साथ जोड़ा और लोगों के दिलों में एक अपना अलग सा मकाम बनाया, जिनमें भजन भी है, कव्वाली भी है। हर एक मजहब को एक नए रंग से अपने नजरिए से रफी साहब ने गाया। लेकिन आज हम जिस गीत का जिक्र करने जा रहे हैं, इस गीत को रफी साहब के चाहने वालों ने भी बेहद ही कम सुना हुआ है। एक ऐसा गीत है जो परमात्मा यीशु पे आधारित है। जब यीशु जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था तो जो क्रिश्चियन फिलोसोफी है उसी रंग से ढला हुआ एक गाना जो आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गाना है नॉन फिल्मी। इस गीत के लिए शब्द लिखे थे उद्धव कुमार जी ने, इस गीत का संगीत दिया था एनोक डेनियल जी ने। दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि इस गीत का संगीत बनाया था मधुकर पाठक जी ने, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। इस गीत को कंपोज किया था एनोक डेनियल जी ने। आइए दोस्तों, सुनते हैं एनोक डेनियल साहब का ये धुन जो भगवान परमात्मा यीशु के पृथ्वी पर अवतरण के साथ जुड़ा हुआ गीत। महामरण को जीत के ईसु फिर जग में आए, धन्य क्रिस्त प्रभु, जय हो सब कोई गाए, जय हो सब कोई गाए। दसों दिशाएं हंसते जीवन की आशाएं, शीश झुकाए दसों दिशाएं हंसते जीवन की आशाएं, सभी प्रभु की महिमा गाए, विश्वासों का कलश, विश्वासों का कलश छलक के अमृत बरसाए, धन्य कृष्ण प्रभु, जय हो सब कोई गाए, जय हो। अंत
अंतरिया में प्रभु के आगे। वेद मिटा दे सब दुख भागे, अंतरिया में प्रभु के आगे। वेद मिटा दे सब दुख भागे, सभी मिलेगा बिन कुछ मांगे। उसके द्वार की रीत, उसके द्वार की रीत यही है जो आए पाए। धन्य कृष्ण प्रभु, जय हो जय हो, सब कोई जाए। पिता का है ये कहना, हर दुख में मुस्काते रहना। परम पिता का है ये कहना, हर दुख में मुस्काते रहना। हंसते हंसते सब कुछ सहना, रहो प्यार से जियो, रहो प्यार से जियो। प्यार से ये प्रभु सिखलाए। धन्य कृष्ण प्रभु, जय हो सब कोई गाए, जय हो सब कोई गाए। दोस्तों अभी आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज से सजा ये प्यारा सा भजन। आइए दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, ये हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम रहेंगे मुंतजिर। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करिए। उसकी बदौलत आप सभी को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। दोस्तों मिलेंगे मोहम्मद रफी साहब की बिल्कुल ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।